सब्सक्राइब करें कामता साइबर टीवी को और लेटेस्ट वीडियो और अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। हाय फ्रेंड्स, विदेशों से डॉक्यूमेंट किसी भी क्रिमिनल केस में विदेश से डॉक्यूमेंट हम लोग कैसे मंगाते हैं? इंडिया को अगर किसी दूसरे देश से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता हो तो इंडिया क्या करती है, किस तरह से किसी दूसरे देश का डॉक्यूमेंट हम मंगवाते हैं, तो आज इसी विषय पे हम लोग बात करेंगे। मैं राजेश कामता साइबर टीवी पे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एमलेट और लेटर रेगुलेटरी के बारे में। दोस्तों, कई लोगों को लेटर रेगुलेटरी और एमलेट को लेके काफी कंफ्यूजन रहता है। कई लोगों को ये नहीं पता होता कि एमलेट क्या है, लेटर रेगुलेटरी क्या है। हमें यदि कोई किसी केस में यदि डॉक्यूमेंट आउटसाइड इंडिया से लेना है तो हम एमलेट में लेंगे या लेटर रेगुलेटरी में लेंगे, इन बातों को लेकर कई बहुत सारा कंफ्यूजन आम इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स और डिपार्टमेंट में होती है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे और क्या ये डिफरेंसेस है दोनों में, ये किस तरह से अलग है, कब किसकी आवश्यकता होती है, इस विषय पे हम लोग आज बात करेंगे। दोस्तों, किसी भी देश से, किसी भी दूसरे देश से जब हम लोगों को किसी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है, किसी क्रिमिनल केस में किसी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, किसी एविडेंस की आवश्यकता होती है या किसी को अरेस्ट करने की आवश्यकता होती है, तो वैसी स्थिति में हम लोग जो प्रोसीजर अपनाते हैं उसको हम लोग कहते हैं एमलेट और लेटर रेगुलेटरी। ये दो माध्यम से हम लोग किसी भी दूसरे देश से डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं, किसी कोई एविडेंस ले सकते हैं और किसी भी तरह का सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एमलेट के बारे में। दोस्तों, एमलेट मीन्स MLAT, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी। ये वैसे देशों के साथ हमारा बना हुआ है। वर्ल्ड के करीब 39 कंट्री ऐसे हैं जिसके साथ इंडिया का म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी है। इन 39 कंट्री से हम कोई भी डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट का आदान प्रदान कर सकते हैं। किसी भी तरह के क्रिमिनल मामलों में हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट उनसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए और डॉक्यूमेंटेशन की जब आवश्यकता होती है तो हम लोग म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी का सहयोग लेते हैं। इसके बाद बात करते हैं लेटर रेगुलेटरी की। 39 देश जिनके साथ हमारा एमलेट है, उसके अतिरिक्त और भी कंट्री जो जिनसे हम लोगों को डाटा की आवश्यकता हो सकती है या जिन देशों के साथ हमारा म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी नहीं है, उन देशों से यदि हम लोगों को किसी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, किसी एविडेंस की आवश्यकता होती है, तो वैसी स्थिति में हम लोग लेटर रेगुलेटरी की सहायता से वो डॉक्यूमेंट प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एमलेट और लेटर रेगुलेटरी में क्या अंतर है, कब हम लेटर रेगुलेटरी से कोई डॉक्यूमेंट की मांग करेंगे और कब हम एमलेट के माध्यम से किसी डॉक्यूमेंट की मांग कर सकते हैं। तो एमलेट वहां इस्तेमाल हम लोग करते हैं, एमलेट के माध्यम से किसी भी केस में हम लोग डॉक्यूमेंट की मांग तब करते हैं जब उस देश के साथ हमारा म्यूचुअल असिस्टेंट लीगल ट्रीटी है। और यदि हमारा उस देश के साथ एमलेट नहीं है तो वैसी स्थिति में हम लोग लेटर रेगुलेटरी के माध्यम से जाते हैं। अब बात आती है कि लेटर रेगुलेटरी क्या है। लेटर रेगुलेटरी कोर्ट के द्वारा, हमारे कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा जब कोई डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंट की मांग की जाती है किसी दूसरे देश के कोर्ट से, तो इसे हम लेटर रेगुलेटरी कहते हैं। 166A CRPC के अंतर्गत हम एमलेट या लेटर रेगुलेटरी से किसी भी देश से डॉक्यूमेंट मांगने का, एविडेंस मांगने का हम लोगों को अधिकार मिला हुआ है। सीआरपीसी की सेक्शन 166A, ये हम लोगों को इसमें प्रावधान है कि हम लोग किसी भी दूसरे देश से एमलेट के माध्यम से या लेटर रेगुलेटरी के माध्यम से डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं। अब बात आती है कि एमलेट और लेटर रेगुलेटरी के माध्यम से हम लोग कैसे डॉक्यूमेंट की मांग करेंगे, उसका प्रोसीजर क्या होगा। तो सबसे पहले जान लें कि यदि किसी केस में एमलेट या लेटर रेगुलेटरी की बात आती है तो
इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को सबसे पहले ये कंफर्म होना होता है वैसी स्थिति में कि क्या ये जो हम डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं ये इतनी जरूरी है, इसकी आवश्यकता कितनी है, इसको एश्योर करना पड़ता है। दूसरी स्थिति में यदि लेटर रोगेटरी से हम कोई डॉक्यूमेंट मांगना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ऑनरेबल कोर्ट की आदेश की आवश्यकता होती है। कोर्ट के आदेश से हम लोग लेटर रोगेटरी के माध्यम से कोई भी डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं। किसी भी देश में एक नोडल अफसर होता है, इंटरपोल का एक नोडल ऑफिस होता है। इंडिया में जैसे सीबीआई है, सीबीआई रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया में इंटरपोल की, उसी तरह से हर एक स्टेट में भी एक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। जैसे आम तौर पे इंडिया के लगभग सभी स्टेट में सीआईडी इंटरपोल की रिप्रेजेंटेटिव होती है। तो यदि एमलेट या लेटर रोगेटरी के माध्यम से किसी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है तो इसके लिए जो प्रोसीजर है, जो प्रोसीजर अपनाना पड़ता है, उसके लिए हम लोगों को सीआईडी के माध्यम से प्रपोजल भेजना पड़ता है। किसी भी स्टेट के सीआईडी के माध्यम से हम लोग प्रपोजल भेजते हैं, सीआईडी उसको होम डिपार्टमेंट को भेजती है, होम डिपार्टमेंट उसको एमएचए को भेजती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया। इसके माध्यम से हम लोग आगे का प्रोसीजर अपनाते हैं और प्रपोजल भेजकर उस पर एमलेट और लेटर रोगेटरी के माध्यम से डॉक्यूमेंट प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सीबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, जहां पर जाकर हम और डिटेल्स में एमलेट और लेटर रोगेटरी के बारे में जान सकते हैं, उसके गाइडलाइंस को देख सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं और भी कई सारी चीजें हैं जो वेबसाइट में दिया हुआ है, जिसको हम लोग पढ़कर आगे के प्रोसीजर को अपना सकते हैं। तो यदि आपको आज का ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और एक रिक्वेस्ट कि यदि आपने अभी तक हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें।